सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत बरकरार है। हर दिन कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच देखा जाए तो आम जनता से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के सितारे इस महामारी की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सेलिब्रिटीज लगातार फैंस को जागरूक कर रहे हैं और उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन गौर किया जाए यहाँ पर आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज के बिजनेस की तरफ तो हर कोई इस वायरस के चलते काफी बड़ी मुश्किलों का सामना भी कर रहा है। इसी बीच देखा जाए तो हाल ही में बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। अजय देवगन ने कोरोना वायरस की दहशत को देखकर महाराष्ट्र में जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसे देखकर अजय ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अजय देवगन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मेडी की शूटिंग में व्यस्त है। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ साथ नजर आने वाले हैं मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। वहीं अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की शूटिंग के दौरान की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं और इस बीच देखा जाए तो अजय और अमिताभ को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए अजय देवगन ने एक बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इसी बीच देखा जाए तो अजय देवगन के डायरेक्शन में बन रही फिल्म मेडी की शूटिंग दिसंबर में शुरू हुई थी, लेकिन अब इस फिल्म की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि फिल्म की शूटिंग के कई मेजर पोर्शन शूट कर लिए गए हैं और आखिरी शेड्यूल के लिए टीम को 3 दिन के लिए अप्रैल के आखिरी में दोहा जाना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस देखते हुए अजय देवगन ने दोहा के शेड्यूल को रोक दिया है और वह पहले क्रू और कास्ट की सेफ्टी पर ध्यान रख रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अजय देवगन ने इस फिल्म को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि अजय देवगन और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म मेडे में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली हैं रकुल प्रीत सिंह। ये फिल्म साल 2015 में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित होगी। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।